इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने हसन रजा को करारा जवाब दे दिया। एक बहुत एंग्री रिप्लाई किया उन्होंने। मोहम्मद शामी ने ना, मोहम्मद शामी बेटा, उसने ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट किया और अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी स्टोरी लगा के ना, जितने भी ये पाकिस्तान या क्रिकेटर थे ना, लिटरली उनके अंदर मुंह तक डंडा दे दिया, मुंह तक डंडा घुसा दिया शामी ने, इनको इनकी औकात याद दिलवाई है। अगर सच्ची बात बताऊं तो मतलब हद हो गई है। पहले तो कोई दूसरी बोले, ठीक है, अब एक नया मंजन आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था, यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। अबे कहां से लेकर आ रहे हो भाई? और अच्छी खासी बेइज्जती हुई उस पर पाकिस्तान के लोगों को, तो मरोड़ पड़ रहे हैं कि मोहम्मद शामी ने बेइज्जती क्यों कर दिया। बाबरे मोहम्मद शामी ने भी, शायद मोहम्मद शामी को नहीं करना चाहिए, मोहम्मद शामी को शायद ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लेवल मतलब उसका लेवल नहीं है। बाकायदा ये कहा गया कि यार ये मैच जो एफएक्स है जी, बिल्कुल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, आप क्या बोलेंगे? रात को फिर व्यूज के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में जनाब ने आके बयान दे दिया कि 25 ओवर से पहले अफगानिस्तान के बॉलर्स को भी जो वही बॉल दिया गया था, और जब 25 ओवर के बाद उनसे वो बॉल ले लिया गया, और इसलिए मैक्सवेल ने जो स्कोर बना दिया। यार हाथ जोड़ता हूं यार, थोड़ा सा बस कर दो, शर्म कर लो थोड़ी सी आप लोग। यार ये पूरी दुनिया में आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, तुम ना बीसीसीआई का कुछ बिगाड़ सकते हो, ना आईसीसी का बिगाड़ सकते हो, सिर्फ ऐसी बातें करके अपना मजाक बनवा रहे हो। ये औकात है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो मोहम्मद शामी ने आके नंगा कर दिया इनको सोशल मीडिया के ऊपर। बेटा लिटरली इस बात के बाद इज्जत नहीं रह जाती, जब कोई बंदा आपको आके नंगा कर देना नंगा, तो बेटा उसके बाद इज्जत नहीं रह जाती। शुरू कर दी थी इस तरह की बातें, वो रोज लेकर आते हैं। अब आज रात को उनको पता चलेगा कि शामी ने उनके बारे में बात की है, तो आज भी हसन रजा तहलका मचाने वाली है। और मतलब वो हसन रजा जो है उसको एक, वैसे भी वो एक सेकंड स्ट्रेंथ का चैनल है, बल्कि थर्ड टीयर का चैनल है वो, थर्ड फोर्थ टीयर का, जिसपे वो बैठे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात को इतनी वैल्यू देनी चाहिए। हैरान हूं कि टेस्ट क्रिकेटर ये बात बोल रहा है कि इंडिया को मखसूस किसी की बॉलिंग दी जाती है। अली मतलब हद हो गई है, पहले तो कोई दूसरी बोले, ठीक है, अब एक नया मंजन आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था, यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। कहां से लेकर आ रहे हो भाई? हमें भी बताओ, हम भी जाए वहां पे उस बस्ती के अंदर जहां पे ये वाला मंजन मिलता है। कमाल हो गया, मतलब लोग लगे मैच के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। एंड सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकायदा ये कहा गया कि यार ये मैच जो एफएक्स है जी, बिल्कुल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, एक तो पाकिस्तान का बदला लिया उसने मैक्सवेल ने, ठीक है, फिर ये पाकिस्तान के फेवर में गया ये मैच, तो यार कम से कम ये तो देखा करो, मैच तो खत्म होने दो पहले पूरा। कैसे ऐलान कर दिया, कैसे फिक्स नजर आ गया? मिली है मैंने भी उनके साथ हसन रजा साहब के साथ स्क्रीन शेयर की है। वैसे ये जो उन्होंने बात की है, ये बड़ी एक उन्होंने हैरत वाली बात की है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना, इनको इनके मुंह के ऊपर ना, सीधी बात करूंगा, जहन्नम की लानत है। अगर आप लोगों में क्रिकेट के एटिकेट्स नहीं ना, डिसिप्लिन नहीं ना आप में, तो मेरी नजर, मेरी तरफ से ना आपको ये डंडा पेश किया जाए, बल्कि इस डंडे में बिठाया जाए, क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है ना, जो लेवल है, मुझे इंटरनेशनल प्लेयर्स वाला नहीं लगता कि आप कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए थे। लेकिन आपकी शक्लें देख के लगता है कि आप कोई पंगी, कोई मरासी, कोई फुदड़ किस्म के लोग हो, लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि आपने क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया। वर्ल्ड क्रिकेट में लोग आपको सीरियस नहीं लेते, आपके फजूल बयान, चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए आपने मुल्क का तमाशा बना दिया हुआ है। एक इंटरनेशनल प्लेयर उठ के आपको सोशल मीडिया पे आपकी कुतू वाली कर रहा है, और ठीक कर रहा है ना, आईसीसी के साथ मिला हुआ है, और आईसीसी जो पता नहीं इंडियन टीम को कौन से बॉल दे रहा है जिसमें चिप लगी हुई है, और बॉल स्विंग भी अपने आप ही होती है, और ये होती है, और वो होती है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं हसन रजा, जिन्होंने ये बात की थी, और उसके उसके मुंह के ऊपर ना मैं कहता हूं लानत है बेटा, तू बकवास खेल रहा है, बैठ के कमाने क्रिकेट खेल लिया, ये किया, मेरा छनकड़ा तूने खेला हुआ है, मुझे ये नहीं पता कि एक इंटरनेशनल मैच में चिप लगती है बॉल में। वसीम अकरम ने ये बात बताई भैया। मोहम्मद शामी ने ना, मोहम्मद शामी बेटा, उसने ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट किया और अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी स्टोरी लगा के ना, जितने भी ये पाकिस्तानी या क्रिकेटर थे ना, लिटरली उनके अंदर मुंह तक डंडा दे दिया, मुंह तक डंडा घुसा दिया शामी ने, इनको इनकी औकात याद दिलवाई है। अगर सच्ची बात बताऊं तो बेटा, शामी ने आपको पूरे सोशल मीडिया के ऊपर नंगा कर दिया। मुझे शर्म आ रही है यार कि ये पाकिस्तान की तरह से क्रिकेट खेले हुए हैं, लाइक चैनल के ऊपर बैठ के चंद व्यूज के लिए, कुछ पैसों के लिए क्रिकेट का इन्होंने जनाजा निकाल दिया है,
क्रिकेट का इन्होंने तमाशा बना दिया है। छोटी सी एक बात करूंगा मैं, वसीम अकरम ने बोला कि इंटरनेशनल क्रिकेट है उधर बेटा, आपके आपके घर के कोठे पे क्रिकेट नहीं हो रही, ठीक है, आपके अबू के क्रिकेट नहीं है उधर, इंटरनेशनल क्रिकेट है बेटा, आपका प्रोफेशनल क्रिकेट था। अगर आप किसी क्रिकेटर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसकी गेम को इज्जत नहीं ना दे सकते, तो मेरे छनकने की आपने क्रिकेट खेली हुई है, मैं ऐसी क्रिकेट पर थूकता हूं यार आपकी, चाहे आपके जितने मर्जी रिकॉर्ड हो, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद शमी को मैं एक बात बोलूंगा, बेटा आप जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, मिर्चियां तो लग रही है सबको, सीधी बात बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानियों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनको जब यह पता चला कि इंडिया ने तो हमारी भी बजा दिया। ये औकात है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो मोहम्मद शमी ने आके नंगा कर दिया इनको सोशल मीडिया के ऊपर। बेटा लिटरली इस बात के बाद इज्जत नहीं रह जाती, जब कोई बंदा आपको आके नंगा कर देना नंगा, तो बेटा उसके बाद इज्जत नहीं रह जाती। इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने हसन रजा को करारा जवाब दे दिया, एक बहुत एंग्री रिप्लाई किया उन्होंने, पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई फिर ट्वीट भी कर दिया। हसन रजा के चर्चे इंडिया में फैले हुए हैं, हर कोई इस वक्त हसन रजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं शमी सिराज और बुमराह के लेकर, और यह कहा कि आईसीसी और बीसीसीआई इनको डिफरेंट बॉल्स देते हैं जिससे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, जिससे ये वर्ल्ड क्लास बन गए, ये एवरेज बॉलर्स थे और इनको आईसीसी और बीसीसीआई वर्ल्ड क्लास बना दिया डिफरेंट गेंदे देके। तो शमी बहुत बड़े, शमी भी नहीं रुके, इंडियन क्रिकेट टीम तक इंडियन कैंप तक ये बातें पहुंच चुकी हसन रजा की, और शमी ने कह दिया कि क्यों घटिया बात करते हो, क्यों बकवास करते हो, क्यों दूसरों से चलते हो, क्यों दूसरों की सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते, ये वर्ल्ड कप है, ये आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं है। आपके लेजेंड वसीम अकरम ने कहा कि हम लोगों को वही गेंदें मिलती हैं जो बाकी बॉलर्स को मिलती हैं, और हमारी सक्सेस को अप्रिशिएट करो, एंजॉय करो, कम से कम अपने लेजेंड वसीम अकरम की तो सुन लो। ये कह रहा था इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी का, जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जो वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स हैं इस वर्ल्ड कप में, और वो भी शमी सिराज बुमराह तीनों तक ही हसन रजा की बात पहुंच चुकी है, राहुल द्रविड़ तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन मीडिया में और इंडियन कैंप में हसन रजा को डिस्कस कर रहे हैं, जमीन से उठा के स्टार बना दिया अपने अगले को, उनको तो पाकिस्तान में नहीं सुना जाता था, लेकिन उनका शो कोई पाकिस्तान में नहीं देखता था, और आपने उनको इतना डिस्कस किया तो हम शामी भी को डिस्कस कर रहे हैं कि अब सब उनको शो देखते हैं, अब उनका शो देख के, और वो फिर एक रोज ऐसी बात करते थे कि रोज वो वायरल होने लगे। उन्होंने कल कह दिया कि लाइट बॉल जो हल्की बॉल जडेजा को देते हैं जिसे पांच ओवर करते जडेजा, फिर उन्होंने कह दिया 25 ओवर के बाद बॉल चेंज कर दी जाती है जिसे मैक्सवेल ने हिटिंग शुरू कर दी थी, इस तरह की बातें वो रोज लेकर आते हैं। अब आज रात को उनको पता चलेगा कि शमी ने उनके बारे में बात की है, तो आज भी हसन रजा तहलका मचाने वाली है, और शमी का करारा रिप्लाई ट्विटर पे भी आया और कहा कि हा 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 ये लोग दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, ये हमारी सक्सेस से जलते हैं, ये हमारी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इनको दूसरों को प्रेस करना नहीं आता, ये अपनी खामियां छुपाने के लिए हम लोगों में इल्जाम लगाते हैं, ये हसन रजा के बारे में ट्विटर पे मोहम्मद शमी ने कहा। तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत चाल मचा दिया मोहम्मद शमी ने, आज इंडिया का मैच नहीं था तो शमी शायद हसन रजा के इंटरव्यूज और एनालिसिस देख रहे थे, और शमी ने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया में जवाब दिया जाए हसन रजा का, और ये वही मोहम्मद शमी है जिन्होंने शुएब अख्तर को टैग करके कहा था सॉरी ब्रो दिस इज कार्मा, जब पाकिस्तान फाइनल हार गया था 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का अगेंस्ट इंग्लैंड और शाहीन शाफी थी इंजर्ड हो गए थे। तो ये शमी की हिस्ट्री नहीं है कि वो पाकिस्तान प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, चाहे पाकिस्तान प्लेयर्स उनके बारे में बात करें या ना करें, उनको कोट करके ट्विटर पर और इंस्टा पे जरूर मोहम्मद शमी बात किया।